सबसे फर्स्ट आप अपना फोल्डर सेलेक्ट करोगे जहां पे आपको वर्क स्पेस बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या वर्क स्पेस बना रखा है, DevOps, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर, ओके कर लिया, ओके, फाइल पे न्यू और यहां से हम मेमोर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे और यहां पे हम वेब ऐप सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट और यहां पे हमने लिखा कॉम और यहां पे अपने प्रोजेक्ट का नाम, जैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है होम सॉप, देन फिनिश। फर्स्ट आपको एक एरर रखेगी जेएस प्रॉब्लम जो आएगी सुपर क्लास जावा एक्सटेंड एचटीएमएल एसयूटीपी की। ये एरर इस वजह से आती है क्योंकि आप में सर्वर एडॉन्स नहीं होता है, उसके लिए आप प्रोजेक्ट राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी जाइए, जावा फेसेस पे जाइए, रन टाइम पे क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करिए, जावा 8.0 सेलेक्ट करिए, देन नेक्स्ट ब्राउज करिए और अपना आप सर्वर सेलेक्ट कर लीजिए। सर्वर आपको यहां पे दिस पीसी पे जाइए जहां भी आपका सर्वर पड़ा हो, जैसे इसका सर्वर पड़ा है अपाचे टॉमकैट, सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए, फिनिश। और कभी भी इस पे भूलिएगा मत, ये आप भूल जाते हो सब लोग, अप्लाई, आपका एरर चला गया। उसके बाद अगर आप अभी इस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट वर्जन है वो 1.5 है, बट लेटेस्ट क्या है 1.8 है और यहां पे क्या है 1. यहां पर आपका 2. ये है अभी लेटेस्ट 3.1। हम कैसे कन्वर्ट करते हैं लेटेस्ट वर्जन में वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम आएंगे web.xml में, यहां पे आपको मिलेगा सोर्स पे आना, यहां पर आपको देखिए 3.2.3 का कोड है, उसके लिए आप गूगल पे आइए, गूगल पे आप सर्च करिए हाउ टू चेंज 2.1 मेमन प्रोजेक्ट, उसके बाद पहले ही लिंक आपको ये मिलेगी, आप वहां पे आ जाइए, वहां पे आपको सबसे पहले web.xml दिखेगा, उससे आप इसको कॉपी करिए web.xml को और आप अपने कोड पे आ जाइए, यहां पर आप इसको इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। और लेकिन ये कोड जो है वो 3.0 का है, अभी हम और चेक करेंगे, सॉरी यहां पे आपको 3.1 का भी कोड मिलेगा, ये देखिए ये आपका 3.1 का कोड है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहां पे आप 3.1 सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए एंड सेव। ये आपका सबसे पहले आपने क्या किया web.xml में आपने अपने कोड को 3.1 से कन्वर्ट किया। फिर आप आ जाइए form.xml पे, यहां पर आप इंटर करिए, यहां पे आप क्या करोगे प्लगइन्स आपको डालने होंगे, प्लगइन्स आपको कॉपी करके यहां पे पेस्ट, एक सेकंड, आपको पूरा प्लगइन्स कॉपी करना होगा और यहां पर पेस्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां आ जाइए, ये आपने प्लगइन्स क्या कर दिया कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फिर आप प्रोजेक्ट को क्या कर दीजिए, प्रोजेक्ट के आप प्रॉपर्टीज पे जाइए, आपका जहां पे प्रोजेक्ट आपने बनाया था आपको अगर बिल्ड पाथ देखना है तो आप यहां से उसका प्रोजेक्ट का देख सकते हैं कि कहां पे रिसोर्स पे आप क्लिक करोगे तो बना हुआ है एफ ड्राइव में जहां पे आपने फर्स्ट टाइम लोकेशन दी थी, आप वहां आ जाइए, एफ ड्राइव में जाइए, अपना जहां पे आपने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में जाइए,
उस फोल्डर में आप सेटिंग में जाइए और सेटिंग में ये आपका सबसे पहले एग्जाम्पल दिख रहा है, इस एग्जाम्पल को एडिट कर दीजिए और जहां पर 2.3 लिखा हुआ है वहां पे 3.1 सॉरी वहां पे आप 3.1 कर लीजिए और जहां पे 1.5 लिखा 1.8 करके सेव कर दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए अपने प्रोजेक्ट पे, राइट क्लिक करिए और मेवन को आप अपडेट मार दीजिए। उसके बाद आप जब आपने अपडेट किया तो उसके बाद आप प्रॉपर्टीज पे जाइए, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट फेसेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको 3.1 सेलेक्टेड दिख रहा है और वहां पे 1.8 सेलेक्टेड है, मींस आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट जो हो गया वो क्या हो गया है, अपडेट हो गया है लोएस्ट टू लेटेस्ट वर्जन में। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अभी आप प्रोजेक्ट को जो रन करा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये वाला प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा है, ये वाला पेज। अब हमें इसमें कंट्रोलर बनाना सीखना है कि कंट्रोलर के थ्रू आप कैसे पेज को रिडायरेक्ट करते हो व्यू। तो हमने सबसे पहले तो इंडेक्स को डिलीट कर दिया। सबसे पहले आपको आपको कुछ डिपेंडेंसीज डालनी होंगी, आपको मिलेगी कहां पे, आप नेट पे जाइए, यहां पे लिखिए आप मेवर रिपोजिटरी। मेवर रिपोजिटरी में आपको कौन कौन सी अभी डालनी है वो मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग और JSTL। पहले तो आप इतनी डालिए, कॉपी कर, अब कैसे हम डालते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसे कॉपी करिए। आपको इन डिपेंडेंसीज के मिड में आपको डालना होगा, उसके बाद कंट्रोल एस करिए। अब ये यहाँ पे डाउनलोड होगी, अगर आप में ऑलरेडी आपने एक बार यूज कर रखा है तो डाउनलोड नहीं होती। उसके बाद स्प्रिंग कोर आपको कौन सी डालनी है, स्प्रिंग कोर, आपको स्प्रिंग बीन भी आप डालेंगे, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट भी डालनी होगी। आप यहाँ पे देखिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट भी दिया है, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बीन, सल्वेट वाली ही लगी है JSTL। उसके बाद आप सेव कर दीजिए।
फिर भी आप एक बार फिर आप मेन पे आइए, राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे आप एक फोल्डर बनाइए जावा नाम से। आपका यहाँ पे src/main/java आ जाएगा। उसके बाद न्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप पैकेज बनाइए, पैकेज का नाम com.niit.controller दे दीजिए। उसके बाद आप इस पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहाँ से आप क्लास ले लीजिए। क्लास का नाम मैंने दे दिया होम कंट्रोलर। क्लास का नाम हमेशा याद रखिएगा कि पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए और कैमल केस यूज करते हैं। अब ये आपकी क्या बन गई, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपने लिखा @ @controller। उसके बाद आप क्या करिए, वेब आइनअप पे क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे फोल्डर बनाइए व्यू नाम का। उस व्यू नाम के फोल्डर के अंदर न्यू और यहाँ से जेएसपी का पेज ले लीजिए और यहाँ पे लिखे index.jsp और यहाँ पे मैंने एक H1 में लिख दिया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आप वेब आइनअप पे क्लिक करिए, राइट क्लिक, न्यू पे जाइए और यहां से अनदर पे जाइए, एक्सएमएल फाइल लीजिए, नेक्स्ट नाम दीजिए स्प्रिंग। तकनीकी हमेशा याद रखिएगा सर्वलेट का नाम हमेशा सही से लिखा होना चाहिए स्मॉल लेटर से .xml। अब इसके अंदर आपको कोड करना होगा तो आप नेट से भी कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको नेट पे मिलेगा। आप स्प्रिंग डिस्पैचर नाम से कोड को सर्च करिए, आपको कोड मिलेगा, नहीं तो मैंने कोड आपको बता भी रखा है, ये कोड है आपका, इसको आप कॉपी करेंगे। ठीक है, अगर आप सर्च करना है तो आपको नेट पे क्या सर्च करना होगा मैं बता देता हूँ। गूगल ओपन करिए, यहाँ पे लिखिए स्प्रिंग डिस्पैचर कोड, अपने आप आ जाएगा। किसी का भी ओपन कर लीजिए, ये आपका कोड था, आप इस कोड को कॉपी करिए। पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने पैकेज का नाम, आपके पैकेज का कंट्रोलर का नाम क्या है, com.niit.controller, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, केवल NIIT। उसके बाद और आगे के भी मैं अगर पैकेज बनाता हूँ तो सारे के सारे पैकेज उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी इस कोड का कोई काम नहीं है। यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, किस फोल्ड पेज को उठाना है, व्यू के अंदर इंडेक्स, तो यहाँ पे आपने वेब आइनअप के अंदर व्यू डाल दिया। ओके, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको पता है कि यूजर क्या कर देगा, रिस्पांस करेगा, तो रिस्पांस के थ्रू किस पे जाएगा, डिस्पैचर पे पास जाएगा, डिस्पैचर से वो किस के पास जाएगा, हैंडलर के पास जाएगा, हैंडलर से वो किसके पास जाएगा, फिर डिस्पैचर के पास, डिस्पैचर से कहां पे भेजेगा, उसके बाद वो व्यू कंट्रोलर, फिर उसके बाद व्यू रिजॉल्वर, व्यू रिजॉल्वर से वो व्यू फोल्डर के पास जाएगा और आपके पेज को रिटर्न करके दे देगा। अब इस स्प्रिंग डिस्पैचर को आपको कॉल कहां पे करना पड़ेगा, वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर। यह आप कैसे कॉल करोगे वो आपके लिए एक लाइन है,
ये आपका कोड होगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये जो सर्वलेट का नेम आपने लिखा है उसमें जो नाम आपने यहाँ पे लिखा होगा स्प्रिंग डिस्पैचर में वही आप लिखोगे। अगर आपने एस डैश डिस्पैचर लिखा है बट कभी भी सर्वलेट कॉल नहीं होता है, सर्वलेट ऑटोमेटिक वो उठा लेता है, ठीक है। तो स्प्रिंग डिस्पैचर अगर आपने डिस्पैचर डैश सर्वलेट लिखा तो यहाँ पे डिस्पैचर डैश सर्वलेट होगा, जैसे आप ऑनलाइन देख सकते हो। ऑनलाइन इन्होंने नाम दिया है एमवीसी डैश डिस्पैचर डैश सर्वलेट, तो यहाँ पे इन्होंने जहां पे वेब डॉट एग्जाम्पल पे कॉल किया वहां पे क्या लिखा है एमवीसी डॉट डैश डिस्पैचर। तो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, यही चीज अगर आप नेटबीन्स पे करते तो ऑटोमेटिक आपको मिलता भी है। ये आप इसको सेव कर दीजिए, मीन सबसे पहले पेज यहाँ पे आएगा और उसे फर्स्ट यूआरएल क्या मिलेगा, स्लैश मिलेगा। अब हम मैपिंग करेंगे, कहाँ पे मैपिंग करते हैं, डॉट कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे हमने लिखा एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, ब्रैकेट लगाया, डबल कोट्स में मैंने लिखा स्लैश। क्यों मैंने स्लैश लिखा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्या दिया है मैपिंग, स्लैश दी। यहां पे मैंने बनाया पब्लिक मॉडल एंड व्यू, और यहां पे आपने दे दिया होम। यहां पे आपने लिखा मॉडल एंड व्यू, उसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू मॉडल एंड व्यू। अब मॉडल व्यू के अंदर आप क्या करोगे, जो पेज आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स, आपका इंडेक्स पेज ओपन होना चाहिए। जब आप स्लैश आपके यूआरएल पे जब स्लैश होगा तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, इंडेक्स। और यहाँ पे आपने लिख दिया रिटर्न ओबीजे, आप इसको सेव कर दीजिए। अब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करा दीजिए। आप में जैसे अभी प्रोजेक्ट रन नहीं हुआ, क्यों नहीं रन हुआ, क्योंकि आपको देख रहे होगे आपके पास दो दो सर्वर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप में हो सकता है एरर भी है, हाँ देखिए एरर आ गई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सर्वर पे सर्वर को फर्स्ट टाइम डिलीट, यहाँ से भी और यहाँ से भी सर्वर को आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करिए नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए एक हो गया, देन अब सर्वर को रन करा दीजिए। आपको सबसे पहले ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब ये सप्ली कैसे ओपन हो गया, वो इसके थ्रू हुआ। आप यहाँ पे देखिए वेब डॉट एक्सएमएल पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम यूआरएल मैपिंग क्या होगी, स्लैश। अगर यहीं पे आपने इंडेक्स लिख दिया होता तो फर्स्ट टाइम ये क्या मांगता है, इंडेक्स मांगता है। आप देखिए ये एरर देगा आपको, आपने रन कराया, नेक्स्ट किया, फिश। अभी फर्स्ट टाइम यहां पे जाएगा किस पे, इंडेक्स पे। अभी देखिएगा, आप वेट करिए, क्या खुल के आया, ओके। अब उसे ब्लैंक मिलना चाहिए, तो यहां पे लेकिन क्या हमने दे दिया था, इंडेक्स, और यहाँ पे स्लैश इंडेक्स का कोई भी है नहीं। तो या तो आप यहाँ पे स्लैश इंडेक्स जो आपने दिया है वो आप यहाँ पे आके बनाइए, तब आपका काम देगा, बट अभी हमने क्या दे रखा है, स्लैश। अब हाउ टू पुट मल्टीपल यूआरएल, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अभी आप प्रोजेक्ट को रन कराते हो तो अभी देखिए रन होके आ जा रहा है, फिर से प्रोजेक्ट को आप रन कराइए अपडेट करके तो आपको चेंजेस दिखेंगे।
ओके हेलो आ गया। अब हम चाहते हैं कि यही खुले, विकास मैं डालूं और इंटर करूं तो विकास नाम से भी हेलो आ जाना चाहिए। मतलब वही सेम पेज मल्टीपल यूआरएल से कैसे आप एक्सेस करते हो वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। उसके लिए आप हेलो ओपन करिए और यहां पे आप लिखिए यार अभी मेरे से कुछ। उसके लिए आप आ जाइए कंट्रोलर के पास, आपको आना पड़ेगा कंट्रोलर में। आप यहाँ पर जहाँ पे आपने स्लैश लगा रखा है वहाँ पे आप हटा दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू डबल कोट्स में स्लैश भी चाहिए कॉमा स्लैश विकास भी चाहिए, सेव कर दीजिए। प्रोजेक्ट को रन करा दीजिए। स्लैश से भी होम क्या खुल के आएगा हेलो, और विकास से भी क्या खुल के आएगा हेलो। पहले एरर आ गई थी बट इस बार एरर नहीं, कोई एरर नहीं है। वो प्रोजेक्ट पूरे तरीके से अभी रन हो रहा था पीछे से। आ गया। अब आप यहाँ पे विकास लिखे, देखिए आपको समझ में यही आ जाएगा कि आपकी मैपिंग हुई है कि नहीं हुई। ये देखिए आपको मैप यहाँ पे दिख रहा है, मैप्ड का मतलब है कि ऑलरेडी मैपिंग हो चुकी है। ये आपको कंसोल पे सारा कुछ रीड करने के दिया है। यहाँ पे देखिए अपने आप और लगा हुआ है, चाहे आप उससे खोलिए चाहे आप विकास से ओपन करिए तो भी देखिए वही आ रहा है। ओके मीन्स आप वन टाइम में मल्टीपल दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप दो दीजिए। आप विकास से भी खोल सकते हैं, स्लैश इंडेक्स से भी खोल सकते हैं, जो भी आपको नाम देना आप उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। अभी हमने ये सीखा हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग कंट्रोलर। ठीक है अब हम यहाँ पे आते हैं वैल्यूज देने के लिए, कितनी भी आपको वैल्यूज दे सकते हो कॉमा देके। उस फिर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे डेटाबेस की में टेबल्स कैसे बनती हैं। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आइए, एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज क्रिएट करना होगा। आपने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, यहाँ पे आपने पैकेज लिया, पैकेज का नाम दिया आपने com.niit.model। हमेशा आपने भी पैकेजेस इंपोर्ट किए होंगे, java.util.asic लगाते हो, जितने भी पैकेज का नाम होता है सारे स्मॉल होते हैं। पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं पहला वर्ड कैपिटल होता है, आपने देखा होगा java.util.scanner, स्कैनर का एस कैपिटल आता है और सारा स्मॉल आता है। उसी तरीके से आप यूज करिए। फिर उसके बाद क्लास बनाइए, यहाँ पे क्लास का नाम हमने दे दिया प्रोडक्ट। आपने क्या बनाया, प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इंट प्रोडक्ट आईडी पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस, उसके बाद राइट क्लिक करिए। हाँ एक चीज और ले लीजिए क्वांटिटी भी, आप उसके बाद राइट क्लिक करिए, सोर्स पे जाइए, गेटर सेटर पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल एंड ओके।
कर रहे हो आपके ऊपर, आपका गेटर सेटर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी है तो आप राइट क्लिक करिए, एक चीज सोर्स में आप यहाँ पर प्रिंट कराना होगा तो आप गेटर से, यहाँ पे ट्विस्टिंग भी आता है, अपने आप उसको प्रिंट भी करा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है बट आप करा सकते हैं। अब उसके बाद आप देखिए, अब आपको क्या करना होगा, कुछ डिपेंडेंसीज डालने की जो मैं आपको नोट डाउन करके दे रहा हूँ, जो डालनी है वो इतनी ही डालनी है, बट आगे के लिए भी हम इसी वक्त डाल दे रहे हैं। जैसे हाइबरनेट वैलिडेटर, अगर आपको वैलिडेशन यूज करना है तो हाइबरनेट वैलिडेशन यूज करते हैं। आगे आपको सिक्योरिटी यूज करनी होगी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो उसके लिए ये सारी होती है। डेटाबेस में अगर आपको फाइल को इम्पोर्ट करानी है, जैसे इमेजेस वगैरह अपलोड कराएंगे, तो उसके लिए कॉमन आईओ इनपुट आउटपुट यूज होगा और फाइल अपलोड भी आपका यूज होगा। तो हम ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज डाल दे रहे हैं। कैसे आप डालते हो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। आप यहाँ पे आइए मेवर रिपोजिटरी पे, यहाँ पे आप सर्च करिए, यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट लिखा हुआ, तो इसको आप मत लीजिए, अभी ये आपका चल रहा है। आप ऊपर वाला भी ले सकते हो, बट टेस्ट हटाना होगा, वो केवल टेस्टिंग के लिए रहता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इसमें से ये हटा दीजिए, उसके बाद आप सेव कर दीजिए। ये काम आप वो करते हो जो आप पहले बेसिक हम करते थे, सारी की सारी आप जार फाइलें डाउनलोड करते थे, फिर आप लाइब्रेरीज पे जाकर उसे ऐड करते थे। ये अब ऑटोमेटिक आपका जहाँ पे पड़ा होगा वो आपको उस पे उठा लेता है। ये आपका पड़ता कहाँ पे, सी ड्राइव में M2 के अंदर डिपोजिटरी नाम का फोल्डर बनता है, वहां पे जाके आपकी जार फाइल स्टोर होती है। इसी तरीके से आप जिसको मैंने जितनी भी डिटेल्स लिखाई है वो आपको डालनी है, आप डालिए। मैंने वहां पे सर्च करके सारी डिपेंडेंसीज डाल दी, उसके बाद मैंने कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद आप प्रोडक्ट और डाओ में आ जाइए, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिए एट द रेट